आज आपका इंडिया न्यूज 28 में आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरें। MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। झारखंड के निरसा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दहीबाड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन। निरसा विधानसभा क्षेत्र के जामदेही पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दहीबाड़ी में ब्लड डोनर चिरकुंडा एवं भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन ब्लड डोनर के सौजन्य से ब्लड डोनर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही साथ उन्होंने नए युवाओं को प्रेरित करते हुए बताया कि ब्लड देने से शरीर में कोई नुकसान नहीं है। ब्लड देने से हमारे शरीर में स्फूर्ति के साथ साथ कई बीमारियों से भी बचाव होता है। इस कैंप के माध्यम से लगभग 36 यूनिट ब्लड जमा हो चुका है। इस मौके पर मनोज मंडल, मनोज अकरम अंसारी, हरिराम यादव, हासिम अंसारी, अमन सिंह आदि उपस्थित रहे। नॉर्थ छोटा नागपुर मंडल ब्यूरो आजाद अंसारी की रिपोर्ट। आज का प्रोग्राम क्या है? आज हम लोग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ब्लड डोनर सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, जिसके तहत ये जामदही पंचायत के लिए सोल प्रखंड के अंतर्गत आता है जामदही पंचायत, इसी परिसर में हम लोग आज ब्लड डोनर ग्रुप कैंप लगाए हुए हैं। ब्लड देने से क्या फायदा है? ब्लड देने से फायदा ही फायदा है, नुकसान मत पूछिए। सबसे बड़ा फायदा तो किसी का आप जीवन बचा रहे हैं, रक्तदान महादान। उसके बाद शारीरिक फायदा है, जैसे आपका शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो बढ़ जाती है वो कंट्रोल रहेगी। तो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा यदि नहीं होगी तो कभी भी जो व्यक्ति ब्लड देते हैं उनको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, जिसे हृदय घात हिंदी में बोलते हैं हार्ट अटैक, वो तो नगण रहती है। मैंने 90% मान के चलिए कि उसको उस व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और शरीर में नई कोशिकाओं का उत्पन्न होता है, जैसे पुराना ब्लड निकल गया तो नया शरीर में जो ब्लड बनता है वो नया स्फूर्ति मिलती है शरीर को।